हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास सेवन की इंग्लिश का चैप्टर नाइन बाइसिकल इन गुड रिपेयर तो इस चैप्टर में एक बाइसिकल के बारे में बताया गया है और दो लोग हैं मतलब एक छोटा बच्चा है और शायद जो दूसरा वाला है वो एग्जैक्ट एज नहीं है वो थोड़ा बड़ा है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे मतलब बाइसिकल से घूमने जाएंगे इस तो जो बड़ा वाला बच्चा है वो आता है और उसकी छोटे बच्चे की पूरी की पूरी बाईसाइकिल को खोल देता है तो क्या क्या होता है उसमें आगे वो इस चैप्टर में बताया गया है तो करते हैं हम स्टार्ट अ मैन आई न्यू प्रपोज वन इवनिंग वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टूगेदर ऑन द फॉलोइंग डे एंड आई अग्रीड इसमें क्या होता है कि एक कोई आदमी है वो बच्चे से कहता है कि हम एक बाइसिकल राइड पर चलेंगे कल को और जो बच्चा है वो मान जाता है आई गॉट अप अर्ली फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वो प्लीज विथ माई सेल्फ तो वो जो बच्चा होता है वो खुश होता है इस बात से कि वो सुबह उठ गया है ही केम हाफ़ एन आवर लेट मगर जो दूसरे वाला है जिसने प्रोमिस किया होता है कि हम घूमने जाएंगे साथ में वो आधा घंटा लेट आया होता है और वह बच्चा उसका वेट कर रहा होता है गार्डन में वो दिन काफ़ी प्यारा होता है ही सेट देट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योरस हाउ डज इट रन और फिर जो दूसरा बच्चा आता है वो मतलब uh, ऑथर ऑथर कहेंगे हम इसको जो बड़ा जो छोटे वाला बच्चा है जिसकी बाइसिकल है उसका हम ऑथर बोलेंगे और जो दूसरा बड़ा बच्चा है उसको मैं बड़ा बच्चा बोलूँगी ताकि ईजी रहे समझने में तो जो ऑथर होता है उसकी बाइसिकल को देख कर, वो जो दो बड़ा बच्चा होता है वो बोलता है कि ये मशीन अच्छी लग रही है और ये कैसी चलती है ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड तो ऑथर आंसर बोलते हैं कि जैसे बाकी सारी चलती हैं ऐसे ही ये चलती है इजली अनफ इन द मॉर्निंग गोज़ अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच वो बोलता है कि जो सुबह सुबह है वो तो काफ़ी इजिली चलती है और मगर जो दोपहर की लंच के बाद जो है थोड़ी सी सही नहीं चलती है थोड़ा टफ सी चलती है ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड स्टूक इट वॉल्टली और वो जो बड़ा बच्चा होता है वो उसको बाइसाइकिल को देखता है अच्छे से और उसका जो आगे वाला व्हील होता है उसको बहुत ते, बहुत तेज़ से हिला देता है आई सेट डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट और फिर ऑथर बोलते हैं कि मत करो ऐसा और अगर तुम ऐसा करोगे तो इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी मशीन को बाईसइकिल को आई डिड नॉट सी वाई ही शेक इट इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम और मुझे ऑथर बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था बाईसइकिल को क्यों हिलाया था मतलब मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं था ना ऐसे ना ही बाईसइकिल ने कुछ किया था बिसाइड इफ इट वॉन्टेड शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट और अगर बाइसाइकिल को शेक भी करना है तो वो मेरी बाइसाइकिल है और मैं उसको शेक करूँगा कोई और क्यों करेगा ऐसा कहते हैं ऑथर, आई फेल्ट मच एस आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग और मुझे ऐसा लगा था जैसे कि वो मेरे डॉग को इस तरीके से हिला रहा है फिर उसने कहा ये फ्रंट व्हील जो है ना ये थोड़ा सही सा नहीं है वॉबल कर रहा है मतलब इधर उधर ऐसे ही घूम रहा है फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है ये वॉबल कर रहा है फिर ये वॉबल नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नॉट वर्थ कॉलिंग अ वॉबल वो कहता है कि एज अ मतलब वॉबल नहीं कर रहा है मगर कुछ सही भी नहीं है ही सेट दिस इज डेंजरस हैव यू गोट अ हैमो आई ऑट टू हैव बीन फिम बट आई दैट पर ही रियली डिड नो अबाउट द बिजनेस तो क्या होता है जो ऑथर होता है वो फिर मतलब जो बड़ा वाला बच्चा होता है वो कहता है कि ये इस तरीके से साइकिल का जो बॉबिल करना है हिलना है आगे वाले टायर का ये बिल्कुल भी सही नहीं है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है क्या तुम्हारे पास कोई हथौड़ा है और अगर है तो दे दो मैं इसको सही कर दूँगा तुम्हारे लिए तो ऑथर को लगता है कि हो सकता है इसको ज़्यादा पता हो इस चीज़ के बारे में तो ये क्या पता मेरी साइकिल जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक कर दे तो फिर जो ऑथर हैं वो अंदर की तरफ चले गए वो टूल बॉक्स ले आए जिसमें सारी की सारी चीज़ें थी और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो वो बच्चा है बड़ा वाला वो उनकी साइकिल का जो व्हील उसके दोनों पैरों के बीच में है और उसने काफी हद तक उसको निकाल दिया है और उसके साथ कुछ खेल रहा है अपनी फिंगर से उसको घुमा रहा है और जो बाकी की साइकिल जो बची हुई है वो साइड में को पड़ी हुई है रस्ते के बीच में ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द bearing वर ऑल wrong. फिर वो कहता है मुझे लगता है ये जो साइकिल का बियरिंग है ना ये बिल्कुल ही गलत है I said, don't you trouble about it any more. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. फिर ऑथर बोलता है कि तुम खुद को परेशान मत करो इसे तुम थक जाओगे इसको अपनी वापस जगह लगा दो और हम चलते हैं घूमने के लिए हाँ तो बैरिंग क्या होता है मतलब जो साइकिल की बॉल बियरिंग्स होती है ना वो उसके बियरिंग्स बोला गया है इसमें फिर वो कहते हैं वी मे एज वेल सी वॉट इज द मैटर विद इट नाउ इट इज आउट फिर जो बड़ा जो बच्चा होता है वो कहता है कि अब हम देख ही लेते हैं जब भी हमने इसको बाहर ही दिया है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और वो मतलब इस तरीके से बोलता है जैसे कि जो उसका व्हील है वो बहुत ही मतलब गलती से निकल गया हो और उसने जानबूझ के ना निकाला हो बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैज़ अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड ऑड So आउट मतलब रोड ऑल ओवर पाथ समय खोने मद्देन अगर ये खो जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी वो, और वो, जो था, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था इस चीज के लिए साइकिल को खोलने के लिए साइकिल को इसमें मशीन बोला गया पूरे चैप्टर में वी ग्रोवर एन हाफ एन आर एंड फाउंड सिक्सटीन और हमने इधर उधर जैसे क्रॉलिंग होता है ना घुटने के बाद चलना और इधर उधर ढूंढना उन्होंने लगभग आधे घंटे तक वो सारे के सारे बोर्ड ढूंढे उसमें से सिक्सटीन उनको मिल गए ही सैट ही होप वी हैव गॉटन दैम ऑल बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक असफरेंट टू द मशीन वो कहता है कि जो जिससे खोला है वो बड़ा बच्चा कि हमें सारे के सारे मिल जाने चाहिए अगर नहीं मिले तो ये जो मशीन है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट इट इज़ नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू आई एडमिट वो कहता है कि ये सब आराम से रखे रहें इसलिए मैं इनको अपनी हैट में रख देता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है इनको हैट में रख देना मगर क्या करें इनको बचाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए फिर आगे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं ही सेट देन दैट वाई ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी दैट द चेंज फॉर मी एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस और फिर वो और ज़्यादा कहने लगता है कि ये जो चेन है ना साइकिल की तुम्हारी मैं इसको भी देख लेता हूँ और इसमें भी कुछ ना कुछ खराबी हो और फिर जो ऑथर होते हैं कि मैंने सोचा कि मैं उसको रोक दूँ और मतलब मना कर दूँ फिर वो कहते हैं ऑथर उसको कहते हैं उस बड़े बच्चे को कि आई टोल्ड हिम कि मतलब उसके एक फ्रेंड ने बताया है कि अगर ऐसे गियर केस में साइकिल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसी मशीन को ना बेच देना ही फ़ायदेमंद होता है और क्योंकि इससे कम पैसों में तो नहीं आ जाएगी फिर जो वो दूसरा वाला होता है बड़ा बच्चा वो कहता है कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता है ना मशीन्स के बारे में वो ऐसी ही बातें करते हैं आई हैड टू कन्फिस ही वॉज़ राइट और फिर टाइडन को भी लगता है कि हाँ भाई शायद हो सकता है सही बोल रहा हो ये क्योंकि जिनको नहीं पता होता है वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं और फिर मतलब पाँच मिनट से भी कम टाइम में जो गियर केस था वो दो पीसेस में कर दिया था उस बच्चे ने और वो क्या है पूरा रास्ते में पड़ा हुआ था और उसके जो स्क्रूज थे वो इधर उधर पड़े हुए थे और फिर वो बोलता है बड़ा बच्चा कि ये जो है मतलब ये स्क्रूज कहाँ चले जाते हैं कहाँ गायब हो जाते हैं उसके लिए तो ये बिल्कुल मिस्ट्री जैसा एक पहेली जैसा है उसको तो समझ ही नहीं आता अगर स्क्रू वो निकालता है तो सारे के सारे चले कहाँ जाते हैं फिर जो ऑथर होते हैं मतलब ऑथर और राइटर एक ही चीज़ होती है जो ऑथर होते हैं वो सब मतलब अपने आप में बातें कर रहे होते हैं कि अब उनके मन से आवाज़ निकल रही होती है कि इसको रोक दो ये और तुम्हारी साइकिल को ख़राब कर देगा मगर क्या होता है कि फिर ऐसा और भी सोचते हैं वो कि तुम्हारी साइकिल है तुम्हारी प्रॉपर्टी है ऐसे पागल लुनाटे का मतलब होता है पागल ऐसे पागल इंसान को तुम अपनी मतलब चीज़ कैसे दे सकते हो तुम्हारी चीज़ को खराब कर देगा मगर एक हेम बाय्रफ एनक एक हेम आउट ऑफ द गेट और ऐसा भी सोचते हैं कि इसको यहाँ से धक्के मार के निकाल दो ये पागल है बट जो ऑथर होते हैं वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं इसीलिए वो नहीं बोलते हैं कुछ भी और उसको जो भी मिक्स उल्टे सीधे काम कर रहा होता है वो उसको अलाउ कर देते हैं करना ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम फिर वो बोलता है जो स्क्रूज होते हैं ये इधर उधर खो जाते हैं जब आपको पता नहीं चलता है और फिर वो चेन को टाइट करने लगता है एक बार वो चेन को इतना ज़्यादा टाइट कर देता है कि वो पहले से भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और फिर जब वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है चल भी नहीं पाती फिर उसको इतना ज़्यादा लूज़ कर देता है कि वो बिल्कुल ज़्यादा ही लूज़ हो जाती है कि फिर भी वो यूज़ में नहीं आ सकती थी फिर वो कहता है हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए कि हमारा जो ये आगे वाला व्हील है इसको प्लेस पे सही प्लेस पे लगा देना चाहिए Uh, ये लिखा देन वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन हाँ मतलब कि पहले वाला व्हील लगा देना चाहिए आई हेल्ड द फोक ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील और मैंने जो फोक है जो टूल था उसको ओपन रखा और वो व्हील के बारे में सोचता रहा उस पर काम करता रहा एंड एट द एंड ऑफ टेन मिनट्स आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक एंड देन आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज प्लेसेज और फिर मैंने कहा कि तुम एक बार जो है व्हील को पकड़ो और मैं हैंडल को प्लेस करता हूँ और फिर हम अपनी जो है हमने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया एट लेंथ वी डिट गेट द थिंग इन टू पोजिशन और फिर कुछ टाइम बाद हमने जो थी साइकिल की वो सही पोजिशन में लगा दी एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन वी बर्स्ट आउट लाफिंग और जैसे ही वो सही पोजिशन में लग गई हम लोग हंसने लगे आई सेट वॉट्स द जोक ही सेट वेल आई एम एन एस फिर मैंने कहा कि कितना मतलब मजाक कैसा मजाक था ये फिर उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल ही गधा हूँ और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी मन से थोड़ी रिस्पेक्ट की क्योंकि उसने अपने आप को वही बोला जो वो एक्चुअली में था आई आज हिम वॉट हैड लेट लेट हिम टू डिस्कवरी फिर उसने फिर मैंने उससे पूछा कि ये सब तुम्हें कैसे पता लगी ये सब चीज़ें ही सेट वी हैव फॉर गॉटन द बॉल्स फिर वो कहता है कि हमने बॉल लगाना तो हम भूल ही गए इसमें आई लुक फॉर माई हैट इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ फिर मैंने जो है वो हैट की तरफ देखा और वो उल्टी पड़ी हुई थी पाथ के बीच में मतलब रस्ते के बीच में ही वॉज ऑफ चेयरफुल डिस्पोजिशन ही सेट वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी find एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस और फिर उसने कहा कि चलो हम जितने हमें मिल पाते हैं उनको देख लेते हैं और फिर जितने बचेंगे फिर देखते हैं उनका क्या होता है आगे देख लेंगे हमको ग्यारह मिल गए थे जब हमने वो सारे के सारे बोल्ड से ढूँढे थे वी फिक्स सिक्स ऑन वन साइड एंड फाइव ऑन द अदर तो हमने छः एक साइड लगा दिए और पाँच एक साइड लगा दिए और लगभग आधा घंटे के बाद जो व्हील था वो हमने फिर से वापस उसी पोजिशन में लगा दिया इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ और अब जो था व्हील जो वो पहले कह रहे थे वॉबल हो रहा है हिल रहा है अब क्या था एक तरफ छः स्क्रूज थे और एक तरफ पाँच थे तो अब वो वाकई में सच में हिल रहा था अ चाइल्ड माइट हैव इट इट ही सेड वुड डू फॉर द प्रेजेंट अब मतलब वो इतना ज़्यादा हिल रहा था कि एक छोटा बच्चा भी उसको नोटिस कर सकता था और फिर जो वो जिस इंसान ने वो जो बड़ा बच्चा था जिसने सारी की सारी साइकिल की टायर वगैरह खराब किए थे वो कहने लगा कि अब अभी के लिए तो काफ़ी है इससे काम चल जाएगा आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी इट इज़ not only your skill that fascinates me it is the your cherry confidence in yourself फिर जो ऑथर होता है वो उससे दूसरे बच्चे से कहता है कि मेरे को मतलब अच्छा लगा काफ़ी मज़ा आया तुमको ये सब काम करते हुए देखते रहे मतलब तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ स्किल ही नहीं जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है खुद पर कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो उसको देखकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा दस एनकरेज ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस और फिर इस बात से उसको दूसरे जो बड़ा बच्चा था उसको थोड़ी एनकरेजमेंट मिल गई और वो फिर से गियर केस को फिक्स करने के लिए बैठ गया ही स्टोड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड और फिर दूसरी उसने क्या किया एक दीवार से घर की दीवार से लगा दिया और दूसरी तरफ से साइकिल पर काम करने लगा देन ई स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री उसके बाद उसने उसे ट्री से लगा दिया और फिर उसके बाद काम करने लगा देन आई हेल्ड इट फॉर हेम वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज़ हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्ग एट इट फ्राम बिलो फिर उसके बाद मैंने बाईसाइकिल को पकड़ा और उसने उसको नीचे से उसमें काम किया एंड ड्रॉप ऑयल अपन हिमसेल्फ और जब उसके नीचे से काम कर रहा था तो खुद के ऊपर उसने ऑइल भी गिरा लिया देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल दी लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिट ओवर ऑन टू हिज हेड और फिर उसके बाद जब वो खुद ही कर रहा था और मतलब उसका बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल उसके ऊपर ही गिर गई फिर उसका जो टेंपर है उसका लूज हो गया मतलब उसका धैर्य है वो खत्म हो गया और फिर वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही गड़बड़ गड़बड़ सा करने लगा द बाइसिकल आई वॉज ग्लाइक टू सी शॉर्ट स्पिरिट और फिर मतलब मेरे को ऐसा लगा जो अथक कहते हैं कि बाइसिकल ने थोड़ी सी स्पिरिट दिखाई और uh, मतलब एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डी जनरेटेड इन टू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड मशीन और फिर मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बाइसिकल और वो जो बड़ा बच्चा था वो आपस में लड़ रहे थे कि मैं मतलब कुछ नहीं होने दूंगी भाई साइकिल ऐसा कह रही थी और वो बच्चा कह रहा था कि मैं तो करके ही छोड़ूंगा इस टाइप की उनमें कुछ भैंस और लड़ाई हो रही थी ऐसा लग रहा था देख करके वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही इज ऑन द टॉप ऑफ इट और एक बार क्या होता था बाइसिकल नीचे होती थी तो वो उसके ऊपर होता था और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता था फिर कभी वो नीचे लेट जाता था बाइसिकल ऊपर की तरफ हो जाती थी तब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था नाव ही वुड बी स्टैंडिंग फ्रेश इन फ्लश विद विक्ट्री द बाइसिकल फेमी फिक्स बिटवीन हिज लेग्स और अब उसने उसको लेग्स के बीच में फंसा लिया था और उसे लगा था कि बस मैं जीत गया हूँ और ये ठीक हो गई है मगर उसकी जो जीत थी वो काफ़ी छोटी थी और ज्यादा देर तक नहीं टिकी और वो फिर से कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई बाई अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फील इट वुड फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विथ वन ऑफ इट्स हैंडल्स और फिर मतलब क्या हुआ जब उसने पकड़ रखा था उसने कहा था ठीक हो गई मगर वो उसका जो हैंडल है फिर से उसके बच्चे के सर पे लगा जो बड़ा बच्चा सही कर रहा था और फिर से वो ऑलमोस्ट ख़राब सी ही हो गई फिर क्या होता है देखिए जैसे कि इसमें ये इरीटेड हो गया उसके ऊपर चढ़ा हुआ है ऐसे ही वो कुछ काम कर रहा होता एट अ क्वार्टर टू वन डर्टी एंड डिसबल्ड कट एंड ब्लीडिंग he said I think that will do and rose and wiped his brow और फिर उसके बाद मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कटी हुई थी और गंदी हो चुकी थी और वो बच्चा भी मतलब ब्लीडिंग वगैरह होने लगी थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था उसने कहा कि अब मुझे लगता है ये बाइसाइकिल जो है ना ये ठीक हो गई है अभी चलने लायक हो गई है और उसने अपनी ब्रो भी ऊपर को उठाई bicycle looked एज इफ इट ऑल्सो हैड एन अफर्फिट और मतलब बाइसाइकिल को देख के भी ऐसा लग रहा था कि अब बाइसाइकिल भी इससे ज़्यादा और नहीं झेल सकती है विच हैड रिसिव्ड मोस्ट पन इट वुड हैव बी डिफिकल्टू से और मतलब उसने बाइसिल ने भी इतना ज्यादा बचा दिया पनिशमेंट झेल दिया होता था उस टाइम तक कि और ज्यादा उसको नहीं दिया जा सकता था आई टूक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिम सेल्फ एंड देन आई सेंट हिम होम फिर मैं जो वो बड़ा बच्चा था उसको बैक की तरफ ले गया किचन की साइड पर जहाँ पे उसने खुद को जितना हो सके साफ किया और फिर मैंने उसको वापस घर भेज दिया तो हो गई हमारी स्टोरी कंप्लीट तो इसमें बेसिकली ये है कि एक होता है एक बच्चा और मान लीजिए एक दूसरा बच्चा होता है जो थोड़ा शायद बड़ा होता है उससे कुछ नहीं बताया गया इसमें कि एक्चुअली में है क्या तो वो आते हैं कि उनको मॉर्निंग वॉक पे जाना है साइकिल से तब साइकिलिंग करेंगे वो सुबह तो दूसरे वाला जो बच्चा होता है वो कहता है कि तुम्हारी साइकिल में प्रॉब्लम है और मैं इसे ठीक कर दूंगा और वो ठीक करने के बजाय उसकी साइकिल पूरी तरीके से अच्छे से ख़राब कर देता है पूरी खोल के और सब कुछ तोड़ फोड़ करके मतलब कर देता है और कुछ होता नहीं है वो भी थक जाता है और साइकिल तो खराब हो ही गई तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच